आज हम जा रहे हैं वेट्स टू वंडर में। हाँ, तो यहाँ पे जो है सारी चीज़ें जो है वो कचड़े से बनी है, मतलब यहाँ पे जो वंडर्स है वो बने हैं किसी और के टूटे फूटे लोहे के सामान से। और तो चलिए दोस्तों चलते हैं यहाँ पे अंदर। वॉइस ओवर है, अंदर चलते हैं। ये देखिए, आपको सामने दिख रहा होगा गीजा का पिरामिड। ये पिरामिड जो है वो इजिप्ट में स्थित है। ये कब बना था? ये जो है बना था कुछ 5000 BC के आसपास, 3000 BC कुछ बजे थे। ये सबसे बड़ा पिरामिड ऑफ गीजा था और कुछ और छोटे दो और भी थे, लेकिन हाँ मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं आ रहा है। आप मेरी इजिप्ट की हिस्ट्री वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें भी आपको पिरामिड के बारे में पता चल जाएगा। आपको पिरामिड को डिटेल के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिसमें आप उसके ऊपर पूरी वीडियो बना दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये जो है लोहे से बना हुआ है, और यहाँ पे ये तो लोहे का ही है पूरा। और आप ऊपर देख सकते हैं वहाँ पे जो रियल वाला पिरामिड है उसी की तरह इन लोगों ने दिखाने की कोशिश की है कि थोड़ा थोड़ा सा वहाँ पे क्या कहते हैं वाइट मार्बल की लेयर बची रह गई है, उसके ऊपर पहले सोने की भी लेयर थी। हाँ हाँ, वो चुरा ले गए गुड्डे होते हैं ना कुछ चोर लोग, उनको पता नहीं क्या जलन होती है कितनी अच्छी चीज़ के ऊपर से सोना चुरा के ले गए, और फिर उन लोग को कुछ जलन आई कि ये भी चुरा के ले गए। वैसे ज़्यादातर वो चीज़ वाइट मार्बल तो तूफान में टूट गया, बट सोना तो पक्का उन्हीं लोगों ने चुराया होगा। हिस्टोरियंस का भी यही मानना है। हाँ, मेरा भी तो यही मानना है, सबका यही मानना है कि जो लोग लुटेरे आके लुटे ले गए सोना पूरा लुटेरे आए और सारा सोना लूट ले गए, और उसी तरह हम भी इसके ऊपर चढ़ के लूटने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे छेद भी है बीच में। हाँ, लेकिन वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। एक रस्सी, ये देख रहे हैं जो आप छेद है ना, उससे वो बात करके रखी गई है कि कोई उसे जाकर तोड़ ना दे। असली लुटेरे की तरह रात को कोई चोर आएगा, उसके अंदर घुसेगा और पूरा पिरामिड उठा के ले जाएगा। इसके अलावा क्या ही करेंगे चोर। हाँ, दिन दहाड़े ट्रेन का इंजन उठा के ले जाते हैं, बड़े बड़े मोबाइल टावर उठा के, नेटवर्क टावर उठा के ले जाते हैं। पिरामिड क्या दोस्तों, आप क्या सोच रहे हैं? और आप देख सकते हैं बैठने के लिए कितना हट, अच्छा सा हट बना है। यहाँ पे आसपास पेड़ लगाए हैं, पहले जो है वैसे पेड़ होने वाले थे, म्यूजियम होगा या म्यूजियम होगा, मतलब कि वो दोस्तों ये तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो है एक वंडर जगह इसलिए है क्योंकि मुझे वो जो है अपने एंगल में थोड़ा सा टिल्ट है, मतलब थोड़ी सी टेढ़ी बिल्डिंग है वो, इसके वजह से इसे आप भी जानते होंगे। ये पीसा इटली में शायद से, हाँ पीसा इटली में मौजूद है। इसी के साथ साथ ये भी चेन से ढका हुआ है। खैर, यहाँ पे हर चीज़ लोहे से बनी हुई है, थोड़ा वाइट पेंट कर देते तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट शायद से किसी वजह से इन लोगों ने पेंट ना किया हो, ना तो इन्हें सजेशन तो आ ही गया होता कि पेंट भी कर दें, वो तो हमें बाद ही में पता चलेगा। और अब देख सकते हैं वहाँ पे वहाँ पर्दा लगा हुआ है जिसकी उस साइड क्या है। वो इसलिए लगा हुआ है कि लोग घूम के ही जाएं यहाँ से, झाड़ियों के बीच में सुधर ना भाग जाए दूसरे बड्डे पे, इसलिए लगा हुआ है। झाड़ियों के बीच में से कूद के चले जाते हैं कुछ लोग। और आपको यहाँ पे पहुँचना है तो इसके बारे में मैं बता दूंगा इसका एड्रेस कमेंट में कि ये कहाँ पर है, कि अभी टाइम नहीं है। ओ सॉरी, टाइम तो बहुत है, इनको टाइम ही नहीं होता, इनको टाइम ही नहीं होता कभी, तो इधर से नहीं इधर से जाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे है हमारे प्यारे FL टावर, इसका सब लोग बरसों से इंतजार कर रहे थे, सॉरी अभी 2 मिनट से इंतजार कर रहे थे, सॉरी 4 मिनट से इंतजार कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। FL टावर यहाँ का सबसे ऊंचा है, जब बाहर थे ना तभी हमें ये दिखाई दे गया था इतना ऊंचा है यहाँ का FL टावर। रियल वाले भी, रियल वाले FL टावर से तो ज्यादा ऊंचा नहीं है, पर रियल वाले FL टावर जितना ही ऊंचा लगता है मुझे। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, ये सबसे ज्यादा रियलिस्टिक दिखता है रियल वाले की तरह। लाइट चल जाएगी तो शायद बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रात को लाइट भी चलती है। वैसे देखते हैं, हम तो तब तक यहाँ पे रहेंगे जब तक यहाँ पे लाइट नहीं जल जाती, रात को ही जाएगी घर। ये भाई साहब पिक्चर खिंचवा रहे हैं हमसे, पिक्चर खिंचवा रहे हैं बैठ के। हसनु मियाँ मेरे बगल पर खड़े हैं और ये पेरिस में स्थित है, फ्रांस के।
और आप ये तो सभी जानते होंगे, वो देखिए सोलर पैनल यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ पे सोलर पैनल से ही ज्यादातर जो है एनर्जी लाइट रात के लिए यूज होती है, जो रात में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलो बता ही देते हैं। ये दिल्ली में मौजूद है और ये देखिए ये क्या है, म्यूजियम आ रहा है, सॉरी क्लोजियम आ रहा है। एक रो चलिए देखते हैं। तो ये एक स्टेडियम तो पुराने जमाने का, आपको तो पता ही है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लोजियम है, ये रोम में मौजूद है। 72 एडी में बना है एम्परर वेस्पेनियन और उनके बेटे के द्वारा ये कंप्लीट किया गया है। इसकी जो लिमिट है वो है 60,000 पीपल्स, 65,000 पीपल्स आ सकते हैं यहाँ पे। ये 72 एडी में बनना शुरू हुआ और 80 एडी में ख़त्म हुआ, मतलब कि इसे बनने के लिए उस वक्त 8 साल लग गए थे। बाप रे बाप, उसके बाद भी इसे वॉर में तोड़ दिया गया। नहीं टूटा हुआ, कौन से जालिम लोग होंगे जिनमें टूटा होगा। यार तूफान भी आ सकता है, भूकंप भी के वजह से भी टूट सकता है। वैसे यहाँ का होता रियलिस्टिक तो नहीं लग रहा, बट हमको इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। दी दी। ज़्यादा कुछ ज्यादा टूटा हुआ है इधर से, और यहाँ पे पता नहीं क्यों लोगों ने पत्थर रखे हैं। क्या भूकंप से बचाने के लिए पत्थर रखे हैं लोगों ने, या किस काम के लिए? और यहाँ पे आप बहुत सारे पौधे भी उगे हुए हैं, ऐसे खूबसूरती के लिए रखे हुए हैं ये चिकने पत्थर। वैसे आप आगे चलते जाएंगे तो आपको और भी बड़ी दरिया दिखाई देगी। यहाँ भाग रहे हैं तो चिकने पत्थर के बारे में आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि ये खूबसूरती के लिए लगे हो गया, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसमें लाइट कहाँ से जलती होगी। अंदर लगी होगी लाइट, अंदर लगी होगी लेकिन दिख तो नहीं रही। हाँ अभी थोड़ी जलेगी, आपको जलेगी। चलो चलो तब तक आगे बढ़ते हैं, हम बोर हो गए इसे देख देख के। आगे बढ़े, अरे आगे बढ़ जा। आई विश वीडियो बनानी रहती है तुम्हारे जैसे, हमारे पास टाइम नहीं है। अरे टाइम नहीं है तो क्या नहीं आगे बढ़ना, टाइम होगा तभी तो बैठ के वीडियो बनाएगा। ये देखो यहाँ पत्थर रखे हैं चिकने ऐसा। तो दोस्तों आपको अगली वीडियो में चार और क्या कहते हैं वंडर्स के बारे में पता चलने वाला है आगे, तो उनमें से एक ताजमहल भी होगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, वो ज़रूर जाके देखिएगा। तो टाटा, गुड बाय, बाय बाय, और उसके साथ लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे तो लीजिएगा।